भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का जगदलपुर प्रवास 6 फरवरी को। छत्तीसगढ़ सामान्य वर्ग संघ 76% आरक्षण से सैकड़ों सहित राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छिंदावाड़ा ग्राम के स्व सहायता समिति के महिलाओं ने सड़क हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर पुलिस को पुनः एक बार गांजा पकड़ने में मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय उत्कर्ष अभियान यात्रा के तहत गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का जगदलपुर प्रवास 6 फरवरी को हो रहा है। उनके आगमन पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित माड़िन तिराहे पर उनका स्वागत संध्या 4 बजे किया जाएगा और गोयल धर्मशाला तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे लालबाग मैदान में विशाल धर्म सभा का आयोजन होगा और 8 फरवरी को गोयल धर्मशाला में दर्शन संगोष्ठी एवं दीक्षा का कार्यक्रम होगा। उक्त जानकारी स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष शंकर लाल गुप्ता ने पत्रकारों को दी। इसके लिए सभी समाजों का सहयोग भी मिल रहा है। इस आयोजन के माध्यम से बस्तर का नाम भारत में गौरवान्वित हो रही। गुप्ता ने कहा कि शंकराचार्य का मूल उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के वनवासी भाई बहनों से संपर्क स्थापित करना प्रयास है। उनकी इच्छा है कि बस्तर के आधुनिक क्षेत्रों से अधिक संख्या में वनवासी इस महाधर्म सभा में पहुंचे, जिनके माध्यम से यह संदेश बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के लोगों तक प्रसारित हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए बस्तर के आधुनिक क्षेत्रों में रहने वाले अन्य ब्राह्मण समाज के साथ ही अन्य समाजों से भी संपर्क स्थापित किया जाएगा। आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का जो कार्यक्रम है जगदलपुर आगमन का, वो राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चल रहा है गुरुदेव जी का, उसी अभियान के तहत जगदलपुर आगमन हो रहा है। 6 फरवरी की शाम को उनका आगमन होगा, 7 तारीख को विशाल जनधर्म सभा होगी और 8 तारीख को दीक्षा और संगोष्ठी का कार्यक्रम है जो गोयल धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। और जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे बस्तर के वनांचल में रहने वाले हमारे वनवासी भाई, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनके जीवन को अच्छा से अच्छा बनाया जा सके उत्थान के लिए वो कार्य करना चाह रहे हैं। और उसी कड़ी में वो यहाँ आगमन हो रहा है और उसी कड़ी में ही विशाल जन सभा जो हो रही है उसमें वनवासी भाइयों का सम्मिलित होना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सुनिश्चित करना हम लोगों का कर्तव्य है। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के दिशा निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन को रोकने तथा प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना नगरनार से कार्यवाही हेतु एक टीम गठित किया गया। टीम द्वारा ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 मेन रोड के पास यात्री बस को रोककर बस को चेक किया गया, जिसमें मुखबिर के बताए हुलिया के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करता रहा। बारीकी से पूछताछ करने पर संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम सीताराम निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश का होना बताया, जिसके पास रखे बैग को चेक करने पर उसके कब्जे से एक बैग में कुल 3 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 35,000 तथा नकदी रकम 2,650 रुपये बरामद किया गया। पूछताछ करने पर उक्त गांजा को ग्वालियर मध्य प्रदेश ले जाना बताया। NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। सामान्य वर्ग संघ बस्तर के सदस्य तय कार्यक्रम अनुसार मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
सदस्यों ने 76% आरक्षण से प्रदेश में होने वाले दुष्प्रभाव को आंकड़ों सहित उल्लेखित करते हुए माननीय राज्यपाल के नाम कलेक्टर चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले में सामान्य वर्ग एकजुट हो रहा है। लगातार हो रही उपेक्षा और समानता का अधिकार के हनन को लेकर समस्त सामान्य वर्ग में भारी रोष है। सदस्यों ने कहा जनगणना के साथ आरक्षण पर भी समीक्षा आवश्यक है और आरक्षण उन्हें भी मिलना चाहिए जो वाकई में उपेक्षित हैं। वैसे भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% आरक्षण का निर्देश स्पष्ट रूप से दिए हैं तो फिर क्यों राजनीतिक हित के लिए लोगों को अंधेरे में रखकर अवमानना की जा रही है। सदस्यों ने आगे कहा कि प्रदेश स्तर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, लगातार हर जिलों में बैठकें की जा रही है जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग स्वफूर्त जुड़ रहे हैं। हमने 4 पन्नों के ज्ञापन में राज्यपाल महोदया को उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराने का प्रयास किया है जिससे प्रदेश पर दूरगामी दुष्परिणाम पड़ेगा। आज हम लोग आरक्षण को लेकर, जो 76% आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, उसके विरोध में हम राज्यपाल महोदया के नाम से ज्ञापन सौंपने आए थे। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि आरक्षण को लेकर लगातार राजनीतिक दल अपने अपने हित पर उसे लागू करने का प्रयास करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जनता को छलने का काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि 50% आरक्षण ही देश में लागू होगा। बावजूद इसके संविधान से खिलवाड़, सामान्य वर्ग के अधिकारों से खिलवाड़ सरकारें कर रही हैं, इसी का विरोध हम कर रहे हैं और एकजुट होकर आने वाले समय पर और मुखर होकर हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भी 58% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम इसी संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे कि जो संविधान के तहत हमें अधिकार प्राप्त हुआ है वो अधिकार हमें मिलता रहे, उस पर आप कटौती ना करें। सरकार को चाहिए कि अभी जो उसने बढ़ाया उसको अपना वापस ले और पहले जैसा चल रहा था उसको यथावत रखे। हम उसी का पूरा विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर इसे गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बृहद रूप से इसका का विरोध करेंगे, पुरजोर रूप से विरोध होगा। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कितने मर्जी योग्य हैं, वो बेशक मेरिट लिस्ट में आते हैं लेकिन आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इससे हमारे युवा वर्ग का जो है मनोबल टूट रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग जो है उसके वो योग्य नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अयोग्य घोषित कर दीजिए। सामान्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को लोन लेकर, अपना घर बार बेचकर, खेतीबाड़ी बेचकर जो पढ़ने के लिए लगातार पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, इस उम्मीद के साथ देते हैं कि हमारा बच्चा जो है कल को उसको अच्छी नौकरी मिलेगी तो हम कर्जा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है समानता, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मन में दुख है। तो हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आरक्षण आप लोग को देना ही है तो योग्यता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरीके से आप हमारे हकों पर कटौती बिल्कुल मत कीजिए। ग्राम पंचायत छिंदावाड़ा क्रमांक 1 एवं छिंदावाड़ा क्रमांक 3 को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग रामपाल पंचायत भवन से गोंचापारा डूंगडांग पुलिया तक लगभग 3 किलोमीटर की सड़क अत्यंत खराब होने के कारण आवागमन करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कई बार आवेदन देने पर भी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। राजनेताओं एवं उच्च अधिकारियों को भी बार बार आवेदन दिया जा चुका है। सड़क बनाने के लिए शिकायत लेके आई हूँ और ना राशन दुकान जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है और गाड़ी वगैरह कुछ अच्छा से नहीं चलता है, इसलिए हम समूह लोग कलेक्टर ऑफिस में मदद के लिए आए हैं। सरपंच, सांसद, विधायक सभी लोग को शिकायत दिए फिर भी उन लोग मदद नहीं किए, इसलिए हम लोग सभी लोग आए हैं यहाँ पे। छिंदावाड़ा गाँव से सब लोग महिलाएँ समूह वाले आए हैं। हमारे गाँव में रोड नहीं है, कच्ची रोड है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। साप्ताहिक बाजार होता है, वहाँ जाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं साधन नहीं मिलता है, कोई गाड़ी वाले भी नहीं जाते हैं, वहाँ पे चलने के लिए भी दिक्कत होता है। स्कूलों में साइकिल मिलता है, उसको चलाने से भी जल्दी ख़राब हो जाता है। हम अपनी समस्या सरपंच, विधायक, सांसद सबके पास लेकर गए फिर भी कोई हेल्प नहीं किया, बनाने नहीं लगे, फिर हम लोग ना अपना समस्या लेकर यहाँ पे आए हैं आज। जगदलपुर में स्थित महर्षि सदाफलदेव आश्रम बोधघाट में शिष्य जनों को दर्शन व दिव्य वाणी का लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें बस्तर संभाग के संभागीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, उपदेष्टागण तथा लगभग 4000 शिष्य जनों, भक्त जनों की उपस्थिति रही।
सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में यह स्पष्ट संकेत दिया कि दिगम योग साधन प्रणाली मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से रोकता है। भौतिकता के कारण मानव के अंदर जो का उत्पन्न हुआ है उसे विहंगम योग के प्रेरणा महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा चरित आध्यात्मिक तथा स्ववेद के स्वाध्याय व प्रचार प्रसार से अपना आत्मिक कल्याण कर सकता है। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, उससे भी बढ़िया बस्तरिया कहकर यहाँ के रहन सहन एवं उनके संस्कार की पूरी पूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि दुखियों का दुख कैसे कम हो यही श्रेष्ठ चिंतन है। कहा कि विहंगम योगी ही उपयोगी होता है जो सबके हित की चिंता करता है। झूसी की गुहा में हिमालय की चोटी पर, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर अपनी कंदरा में, जो कंदरा प्राकृतिक रूप से बनी है, नैसर्गिक रूप से बनी है, उसको अलग से निर्मित नहीं किया गया। सद्गुरु देव शून्य शिखर की कंदरा में बैठकर साधना की अतल गहराई में पहुंचकर क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र जगदलपुर बस्तर द्वारा रैली के संवर्धन और संरक्षण के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन वन विभाग, राज्य रेशम विभाग एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में मंगलवार को 17 जनवरी को किया गया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक डॉक्टर सत्यनारायण बुनियादी तसर, रेशम बीज संगठन बिलासपुर के निर्देशक डॉक्टर वेणुगोपाल, राज्य रेशम के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर राजेश बघेल उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद शाहिद खान अपने भाषण में संरक्षण प्रक्रिया को संरक्षित जंगलों में करने की सुझाव देते हुए संग्राहियों को संरक्षित प्रक्रिया में साथ ले जाने की सुझाव दिया। अतिरिक्त निदेशक राजेश बघेल ने पर्यावरण की परिवर्तन को मुख्य रूप से कारण माना है एवं इसके ऊपर अनुसंधान की जरूरत पर जोर दिया है। वैज्ञानिक सुनील कुमार मिश्र ने सुझाव दिया है कि प्रगुणन कैंप के उपरांत रेशम कीट आगे प्राकृतिक रूप में प्रगुणन करने की सुविधा उपलब्ध करवाना केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक डॉक्टर सत्यनारायण रांची ने स्व सहायता समूहों की जोड़ने एवं संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर जोर दिया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से आकस्मिक दुर्घटना में मृत 7 छात्र छात्राओं के परिजनों को मिली 1-1 लाख रुपए की बीमा राशि। छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के आकस्मिक दुर्घटना में मृत 7 छात्र छात्राओं के परिजनों को विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सौंपा 1-1 लाख रुपए का चेक। जिन छात्र छात्राओं के परिजनों को छात्र दुर्घटना बीमा योजना का चेक प्रदान किया गया, इस अवसर पर हितग्राहियों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आकस्मिक दुर्घटना में मृत छात्र छात्राओं के परिजनों को तत्काल छात्र दुर्घटना बीमा योजना की राशि प्रदान की जा रही है। बेटा 2020 में उस खेल रहे थे और गिरने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और आज हमें छात्र दुर्घटना के तहत 1-1 लाख का चेक दिया जा रहा है माननीय श्री रेखचंद जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा। और शिक्षा विभाग का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी पेरेंट्स को मतलब छात्र दुर्घटना का बीमा योजना का लाभ दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सब पेरेंट्स की तरफ से। आज जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 बच्चे जो कि आकस्मिक दुर्घटना में पढ़ाई के दौरान उनका निधन हुआ था, आज उन सभी परिवारों को, उनके जो गार्जियन हैं उनको बुलाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ 1-1 लाख रुपए का छात्र दुर्घटना बीमा का चेक उनको सौंपा गया है। और छत्तीसगढ़ के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन सब परिवारों को सांत्वना दी है और हर परिस्थिति में साथ देने का वचन भी दिया है। और ये जो छात्र दुर्घटना बीमा है,
पिछली सरकारों में महज 10,000 रुपये मिलता था, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता है, उसको 10 गुना राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए का चेक ऐसी जो घटना होती है उसमें उनके परिजनों को दिया जाता है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एनएमडीसी कार्यालय एवं उनके सहयोगी कंपनियों व सरकारी विभागों के अंतर्गत परिवहन कार्यालय के अधिनियम का उल्लंघन व व्यावसायिक वाहनों की स्वीकृति के एवं में निजी वाहनों के उपयोग करने की शिकायत की है। इस अवसर पर नवनीत ने कहा कि बस्तर जिला परिवहन कार्यालय की उदासीनता के चलते लगातार बस्तर जिले में परिवहन नियमों को ताक कर रखकर वाहनों को सड़कों पर बेलगाम दौड़ाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से बस्तर जिले के नगरनार में एनएमडीसी द्वारा स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए एनएमडीसी एवं अन्य सहयोगी ठेके में आई कंपनियों के द्वारा परिवहन कार्यालय के नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक वाहन की स्वीकृति के एवज में निजी वाहनों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों के द्वारा आरटीओ जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हमने रखे हैं वो ये है कि जिस तरीके से बस्तर जिले के अंदर में व्यवसायीकरण के नाम पर, चाहे वो एनएमडीसी स्टील प्लांट हो, चाहे वो विभागीय कार्यालय हो, वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, उन वाहनों में परिवहन अधिनियम के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, टैक्स की चोरी की जा रही है और लगातार लग्जरियस गाड़ियों का इस्तेमाल, जो कि निजी वाहन के रूप में उपयोग होता है, उस रजिस्ट्रेशन को करवा के जो है व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिससे पूरे के पूरे राज्य के अंदर में, जिले के अंदर में जो टैक्स है, जो परमिट है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये जांच का विषय है, संबंधित विभाग जो इस बात के लिए पूरी तरह से अधिकृत है वो जांच करे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर जिले के 54 विभाग के कर्मचारी बैठे हैं। हड़ताल पर पहुंचे संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नियमितीकरण करने की मंच पर घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4 साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की है। राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश भर में संविदा कर्मचारियों द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है। 5 दिवस पश्चात सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश भर में ये संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी सारी जवाबदारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की होगी। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने के बाद राज्य सरकार के 54 विभागों में कामकाज बाधित हो रहा है। पिछले कई सालों से संविदा कर्मचारियों के बदौलत ही राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में कामकाज बदस्तूर चल रहे हैं। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सर्व संविदा कर्मचारी संघ का बैनर तले 5 दिवसीय हड़ताल 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक है और हम लोग जो है हम सिर्फ हमारे मांग नियमितीकरण का है, लेकिन हम नियमितीकरण की लड़ाई जो है पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार आने के पहले जो है हमारी मंच पर आकर के उन्होंने बोला गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज 4 साल बीत गया, हमको नियमितीकरण नहीं किए हैं, सिर्फ हमको समिति गठित करने का एक आश्वासन देता है और नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन आज दिनांक तक नियमितीकरण नहीं किए हैं। संविदा कर्मचारी है जो हम आज जो है जिला स्तर पर हम अपना 5 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं और ये निश्चितकालीन है, अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन राज्य स्तर पर हम चले जाएंगे। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में साइबर सेल और सरायपाली थाना पुलिस ने एक किराए के मकान में रखे 10 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ मकान मालिक और ढाबा संचालक 2 लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 की कार्यवाही कर मामले को विवेचना में लिया है।
महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि साइबर सेल को मुखबिर से जानकारी मिली कि गौटिया ढाबा के संचालक अजीत पटेल व अमित पटेल द्वारा अपने ढाबा में शराब बेचने के लिए ग्राम कुटेला निवासी लालचंद मांझी के मकान पर अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भंडार कर रखा गया है। की सूचना पर साइबर सेल टीम एवं थाना सरायपाली की टीम द्वारा मौका ग्राम कुटेला के लालचंद मांझी के मकान पर दबिश देकर 170 कार्टून में छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित अंग्रेजी गोवा स्पेशल विस्की शराब मिला बरामद किया गया। अवैध शराब के लिए किराए से मकान देने वाले लालचंद मांझी और गोटिया ढाबा का संचालक अजीत पटेल व अमित पटेल को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में थाना सरायपाली प्रभारी आशीष वाशनिक, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक नसीम उद्दीन खान व टीम शामिल हैं। मुखबिर से सरायपाली पुलिस को सूचना मिली थी और कि एक गोटिया ढाबा है अवैध रूप से शराब का कहीं बेच रहा है और भंडारण किए हुए। इस पर से कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और पुलिस टीम सरायपाली द्वारा छापामारी की कार्रवाई की गई। इसमें एक मांझी जी का मकान है जिसमें ये अजीत पटेल और उसका भाई दोनों अवैध रूप से भंडारण किए गए थे, जहाँ पर तलाशी लेने पर करीब 170 पेटी गोवा कंपनी की दारू पाई गई है। बाजार कीमत लगभग 10 लाख के करीब बाजार कीमत है। इसकी विवेचना का प्रश्न है और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो दो आरोपी पकड़े हैं सर आपके साथ में, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है? पिछला रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं उनका क्या है, ये दारू कहाँ से लाए ये भी पता लगाएंगे और ये किस उपयोग के लिए। जैसे उनका कहना है अभी कि हम ढाबा में ही अपने ग्राहकों को बेच रहे थे। इनको धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।